हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसी रहस्यमयी और एक ऐसी छुपी हुई वेबसाइट के बारे में जिसके कारनामे सुन के आप सभी के दिल कांप उठेंगे, आपकी आंखों में से आंसू तक आ सकते हैं। गाइस आ जाएंगे गाइस, एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जो पूरे विश्व के सारे देशों से छुपकर इलीगल यानी गैरकानूनी तौर पर काम करती है और उस पे ऐसे काम होते हैं जिसके बारे में सुन के आपको अपने कानों पर विश्वास तक नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। गाइस, तो जी हाँ गाइस, आप सब लोग सही समझ रहे हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर डार्क वेब हो भी क्या है और क्या करती है और किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई और आखिर इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, क्या इसका इस्तेमाल सही कामों में किया जाता है, क्या इसका काम गलत कामों में किया जाता है, यही सब हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, अब हम आपको बताते हैं कि डार्क वेब आखिर है क्या। आसान शब्दों में हम आपको बता दें तो डार्क वेब जो है वो ढेर सारी आईपी एड्रेस को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है जिससे इसको ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। यहाँ अगर यूज़र इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड होती है, यहाँ पर यूज़र्स की जितनी भी जानकारी होती है वो इंक्रिप्टेड होती है जिसे डिकोड करना यानी कि जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। डार्क वेब पर डील करने के लिए वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो गाइस, अब हम आपको बताते हैं आखिर ये डार्क वेब किसने बनाया और इसको कब बनाया गया। तो डार्क वेब की शुरुआत जो हुई थी वो 2000 में हुई थी, फ्री नेट रिलीज़ के साथ हुई, जो कि एडिनबर्ग जो विश्वविद्यालय उसके छात्र इयान क्लर्क की थीसिस परियोजना में थी। गाइस, हम बताते हैं आखिर ये डार्क वेब बनाया क्यों गया था। तो ये बात स्टार्ट होती है 1990 में, जब डार्क वेब जो बनाया गया था वो सन 1990 में जब कोल्ड वॉर ख़त्म होने वाला था तो अमेरिका के जो जासूस थे उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कि सोवियत यूनियन से उसकी सुरक्षा हो और उनकी हिफाजत हो, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था डार्क वेबसाइट, जिसको एक गुप्त तरीके से सुरक्षित रखा गया कि अपनी इंफॉर्मेशन सोवियत यूनियन के पास ना पहुंच सके। भाई, हमने आपको बता दिया आखिर डार्क वेब क्या होता है और ये कब बनाया गया था। जब 2000 में क्लार्क जो एक विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट था उसने ये डार्क वेब बनाया था, और ये जो डार्क वेब है वो अमेरिका ने 1990 में सोवियत यूनियन से सुरक्षा के लिए अब डार्क वेब का इस्तेमाल करा था। और अब गाइस, हम बताएंगे आपको डार्क वेब जो है और डीप वेब में क्या फ़र्क है। तो गाइस, डार्क वेब जो होता है वो सारे काम इलीगल, डार्क वेब में सारे इलीगल काम होते हैं, जो डीप वेब है वो थोड़ा लीगल काम के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे गाइस, डार्क वेब और डीप वेब में इतना ही फ़र्क है कि डार्क वेब पे इलीगल काम होते हैं और डीप वेब पे होते हैं लीगल काम। गाइस, थोड़ा डिटेल में जानते हैं और डार्क वेब के बारे में। गाइस, हम आपको बताते हैं डार्क वेब में क्या काम होता है। यहाँ के वेब पेज को सर्च इंजन द्वारा इंडिकेट्स किया जाता है, यानी डार्क वेब में बहुत खतरनाक काम किए जाते हैं और यहाँ पर कई अवैध काम होते हैं। साइबर वर्ल्ड की दुनिया में अवैध कामों का ठिकाना माना जाता है। तो गाइस, हम आपको बताते हैं कि डार्क वेब में कौन से गैरकानूनी काम होते हैं, जैसे एक हो गया क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत जानकारी, आग्नेय अस्त्र, मेलवेयर, वेश्यावृत्ति, यौन तस्करी और ड्रग्स के लिए काला बाजार शामिल है। गाइस, हमने डार्क वेब के बारे में कुछ आपको डिटेल्स बता दिए, अब हम आपको गाइस ये बताएंगे कि आखिर गलत कामों के लिए ही डार्क वेब का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या सही काम क्यों नहीं होते, और डार्क वेब का हम यूज़ कर सकते हैं, क्या नॉर्मल बंदा डार्क वेब का यूज़ कर सकता है या किसी हैकर्स के जरिए ही ये डार्क वेब चलता है। तो गाइस, वीडियो में बताते हैं। तो गाइस, हम आपको बताते हैं कि डार्क वेब में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। डार्क वेब पर मिली आपकी किसी भी जानकारी को छिपाने के लिए उसे बदल कर दिखाया जाएगा ताकि उसे कोई पढ़ ना सके। आपके डेटा की निजता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है।
रिपोर्ट में यह देखा जा सकता है कि डार्क वेब पर आपकी कौन सी जानकारी है और इसके हिसाब से ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए सोच समझकर फैसले कर सकते हैं। तो गाइस हम आपको बताते हैं कि डार्क वेब में ऐसी कौन सी खासियत है जिसको एक्सेस करना नामुमकिन हो जाता है। तो डार्क वेब में जो है एडवांस लेवल की TOR ब्राउज़र है जिससे हमें एक्सेस करने में मुश्किल होती है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जो डार्क वेब है ये कितनी बड़ी है और ये जो डीप वेब है ये कितनी बड़ी है। तो गाइस जो डार्क वेब है वो कुल इंटरनेट यानी पूरे विश्व में जितने भी इंटरनेट फैला हुआ है डार्क वेब उसका 5% है और जो डीप वेब है वो कुल इंटरनेट का 0.01% यानी 1% है। और डीप वेब की गाइस 200,000 वेबसाइट हैं। तो गाइस जैसे कि आपको पता चल ही चुका है कि डीप वेब सही कामों में इस्तेमाल करी जाती है जबकि डार्क वेब इलीगल तौर पर ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग जैसे फिरौती मांगना और बहुत सारी ड्रग्स और आर्म डीलिंग के काम में इस्तेमाल करी जाती है। गाइस हमने आपको बता दिया कि डार्क वेब का निर्माण आखिर किसने करा और कब करा और आखिर इसको चलाने यानी इसको यूज़ क्यों करा बनाया क्यों गया था यानी अमेरिका के द्वारा अपने मतलब अमेरिका के इसको द्वारा इसको बनाया गया था। गाइज हमने आपको ये भी बता दिया कि आखिर डार्क वेब पर इस कौन कौन से तरीके के काम होते हैं मतलब कौन कौन से इलीगल काम होते हैं डार्क वेब पर और आखिर क्यों हैकर इसका इस्तेमाल कर क्यों करते हैं। गाइज हमने सब कुछ बता दिया आपको। आशा करते हैं वीडियो की इन्फॉर्मेशन से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और अगर ज़रा से भी नॉलेज बढ़ी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा।